Welcome students of 7th class in social studies period. Today we will read chapter 1st, Swiss Democracy. In simple words, democracy means the rule by the common people. It is a form of government in which people elect their own representatives. जो simple words में हम कहें democracy का, जैसे आपको पता है हिंदी meaning होता है लोकतंत्र. लोकतंत्र को हम सीधे भाषाओं में कहें तो ये इसका मीनिंग होता है कि लोगों के द्वारा राज्य, इसमें जो लोग हैं अपनी गवर्नमेंट जो है अपनी पसंद की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनते हैं. द पीपल आर ऑल सुप्रीम एंड सॉवरेन एंड नोबडी इज़ अबव देम. थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्शन दे कैन चेंज एनी गवर्नमेंट लाइक दे लाइक. द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड demos meaning people and kratos meaning rule of government. Hence democracy is a rule of the people of their representative. The well known definition of democracy given by Abraham Lincoln says democracy is the government of the people by the people and for the people. जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं यही सुप्रीम पावर होते हैं, यही प्रभुसत्ता संपन्न लोग होते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को चेंज भी कर देते हैं. इनके सिने लगता है कि ये गवर्नमेंट सही नहीं है तो आने वाले इलेक्शंस में ये उनको वोट नहीं देते हैं. डेमोक्रेसी वर्ड है जो, ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड, दो वर्ड है ग्रीक, डिमोस जिसका मीनिंग होता है लोग, क्रेटोस जिसका मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का रूल. हैंस मतलब डेमोक्रेसी जो है उन लोगों का रूल होता है जो, मतलब उन उस गवर्नमेंट का रूल होता है जो लोगों के द्वारा चुनी होती है. जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब सरकार चलाते हैं. एक बहुत वेल नोन डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन द्वारा जो, जिसमें उसने कहा है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मतलब लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार होती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं. इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड ईच वन शुड इंजॉय द सेम बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. ए डेमोक्रेटिक फॉर अ गवर्नमेंट ऑलवेज इंश्योर दैट इट्स सिटीजन आर ग्रेंटेड their fundamental rights which are laid down in the constitutions. Equality और freedom मतलब जी जो दो main pillar हैं, ये लोकतंत्र के दो main pillar हैं. Equality का meaning होता है कि सारे लोग जो हैं कानून के सामने समान हैं, चाहे कोई बड़ा है, अमीर है, गरीब है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सेम सज़ा पनिशमेंट दी जाती है. और जो डेमोक्रेसी में सारे लोग जो हैं सेम बेनिफिट, जितने सरकार मौके देती है या कुछ स्कीम चलाती है तो वो सारे लोगों के लिए सेम होती है. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स बेस्ड ऑन विच अ पॉलिटिकल यूनिट इज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटेड. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा संविधान है, ये लॉज और रूल्स का एक यूनिट होती है जिसके द्वारा की सरकार चलाई जाती है, जिनको सामने रख के. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टूडे हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अमेरिका, फ्रांस एक्सेट्रा आर डेमोक्रेसीज. मतलब बहुत सारी देश हैं जो हमारी दुनिया में अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनमें, जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, और भी बहुत सारी हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पावर. जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये बहुत पॉपुलर है, जिसमें लोग अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं और उनको पावर देते हैं कि वो सरकार चलाएं, वो देश को चलाएं. बिसाइड्स डेमोक्रेसी देयर आर मैनी अदर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे. दे आर एज फॉलो. डेमोक्रेसी के बिना और भी बहुत से सिस्टम हैं जो कि दुनिया में हैं आज के टाइम में, वो ऐसे हैं. फर्स्ट, मोनार्की is a form of government where the king or the or a monarch inherits his post
कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की एंड द एब्सोल्यूट मोनार्की आर द टू टाइप्स ऑफ द मोनार्कियल गवर्नमेंट। जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है इसमें राजा मतलब जो किंग और क्वीन होते हैं वो उनको विरासत में मिलती है अपनी जो पोस्ट होती है। जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है ये दो टाइप्स की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ए किंग और क्वीन एक्ट एज ए हेड ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो किंग और क्वीन होता है राजा रानी होते हैं वो स्टेट का हेड होते हैं। द पावर टू मेक एंड पास लॉस वेस्ट इन द इन एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो पावर्स होती हैं और लॉ पास करने होते हैं वो पार्लियामेंट करती है। द यूनाइटेड किंगडम इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल है। इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्क इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट मोनार्क में जो राजा या रानी होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और गवर्नमेंट का हेड भी होता है। ही एक्सरसाइज अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटीज ओवर द कंट्री। एग्जांपल क्वार्टर, ओमान, मोराक्को एक्सेट्रा। ये जो हैं इसमें जो हैं जो वो मतलब जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसमें वो स्टेट का हेड भी होता है, दोनों ही जगह का होता है, गवर्नमेंट का भी और स्टेट का भी, और वो सारे काम जो है एब्सोल्यूट मोनार्की में वही इंसान करता है। इसकी उदाहरण कौन सी है? क्वार्टर, ओमान और मोरक्को। इन डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द hands of one man, that is there is a single ruler with absolute powers. Most dictators gain power either through a military takeover or by seizing leadership from an existing rulers. General Pervez Musharraf and of Pakistan and Saddam Hussein of Iraq were the examples of dictators. एक और फॉर्म है डिक्टेटरशिप, जैसे हमने पढ़ा कि कौन कौन सी फॉर्म्स बता दी मैंने, डेमोक्रेसी, मोनार्की और एक है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो सारी पावर्स होती हैं वो एक ही इंसान के हाथ में होती हैं और वो उन सारी पावर्स का वो खुद ही यूज़ करता है, लोगों का उसमें कोई रोल नहीं होता। ये जो होती है डिक्टेटरशिप ये कैसे ली जाती है, जहाँ तो मिलिट्री जो है टेक ओवर कर लेती है, जो वहाँ की सेना होती है वो जो वहाँ का मतलब हेड होता है उसको अपने अंडर कर लेती है, या फिर लीडर मतलब लीडरशिप ही कर लेती है, जहाँ जो वहाँ का लीडर होता है वो अपना ही रूल चलाता है। जैसे पाकिस्तान का परवेज़ मुशर्रफ है, ये भी एक डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है, और इराक के जो सद्दाम हुसैन है। टर्न द पेज। Evolution of democracy. Democracy is as old as ancient Greek civilization, i.e. 2500 years ago. It has ever been changing time after time. Hence, it is essential to reconstruct the stages and learn the meaning in the transformed stages. जो democracy है ये बहुत मतलब ज़्यादा पुरानी है, यानी कि 2500 साल पुरानी। टाइम के साथ साथ ये जो है इनकी स्टेजेस और मीनिंग जो है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। फर्स्ट मतलब डेमोक्रेसी इन ग्रीस, ग्रीस में क्या थी डेमोक्रेसी? द फर्स्ट साइन ऑफ डेमोक्रेसी वर विटनेस्ड इन एशियंट ग्रीस इन एथेंस वेयर कैलिस्थेनियस credited by historians as the father of the Athens democracy, reformed the constitution of Athens, setting it with a democratic framework. जो आपको सबसे पहली जो डेमोक्रेसी है आपको ग्रीस में एथेंस में मिलती है, जो कैलिस्थेनियस था इसको जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने डेमोक्रेसी का एथेंस डेमोक्रेसी का फादर भी कहा था, और इसी ने ही जो है एथेंस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, संविधान बनाया था और इसको एक लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में सेट किया था। एक्सेप्ट slaves, women and foreigners, all citizens participated in the day-to-day governance.
they participated in the political decisions and were entitled to speak and vote in the assembly which framed law for the city states. इसमें क्या था, जो स्लेब्स होते हैं गुलाम औरतें और विदेशी जो हैं उनके अलावा देश के सारे जो नागरिक हैं वो जो गवर्नमेंट है उनकी मतलब रोज की गवर्नेंस में हिस्सा ले पाएंगे और जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं और जो भी कुछ होना है असेंबली में बोलना है, लॉज फ्रेम करने हैं, ये सारे जो हैं मतलब अपनी स्टेट के लिए उन सब में ये लोग हिस्सा ले पाएंगे. कौन लोग नहीं ले पाएंगे? स्लेव्स, वुमेन्स और फॉरनर. डेमोक्रेसी इन मिडिलेवल पीरियड. द पोलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म वॉज प्रिविलेंट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द मिडिलेवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री. इट कंप्राइज द नोबल हु वॉज द ओनर ऑफ द लैंड नोन एज द लॉर्ड एंड वेसल हु वॉज ग्रांटेड लैंड बाय द नोबल एंड द लैंड इन एक्सचेंज फॉर लैंड द वेसल्स वुड प्रोवाइड मिलिट्री सर्विसेज टू द लॉर्ड. इसमें जो डेमोक्रेसी इन मिडिल लेवल है इसमें क्या था, ये फेडरलिज्म टाइप की थी. इसमें जो होता है भूमि का मालिक जो है जिन्हें भूमि देता है ऑनर जो होता है और जिनको वो भूमि पट्टे पे देता है वो उसके लिए मिलिट्री की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. व्हेन फेडरलिज्म केम टू एन एंड द लॉ एंड द ऑर्डर आर एनफोर्स्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म डेवलप आफ्टर द 14th सेंचुरी. जब ये आपकी फेडरलिज्म ख़त्म हुआ तो उसकी जगह पे डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है डेवलप हुई 14th सेंचुरी के बाद में. रेनेसेंस मूवमेंट. द मिडिल लेवल पीरियड gave away to the Renaissance movement or the rebirth of the cultural awareness in the literature, science, art, politics and religions between the 14th and the 17th centuries. The period was marked by the emergence of the power states and king who consolidated their rules and united people under a centralized system of गवर्नमेंट. मिडिल लेवल पीरियड में जो है कि उसने पुनर्जागरण आंदोलन को फिर से रास्ता दिया, जहां हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी कल्चर था, लिटरेचर थी, साइंस थी, आर्ट था, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये 40 और 17 सेंचुरी में इनको फिर से पुनर्जन्म मिला. द पीरियड वॉज मतलब इस पीरियड को हम पावर्स ऑफ स्टेट और उनकी पावर्स ऑफ स्टेट और किंग्स की पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई और उन्होंने पूरे जो लोग हैं यूनाइट मतलब एक संग हो गए और उन्होंने मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको उन्होंने केंद्रित कर दिया. द कंट्रोल ऑफ द चर्च एंड द मोनार्क ओवर द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल वॉज क्वेश्चन्ड एज मोर एज पीपल रीडिस्कवर्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द एशियंट एथेंस एंड रोम. जो कंट्रोल था चर्च का और मोनार्क का लोगों की जिंदगियों के ऊपर वो अभी प्रश्नों के दायरे में था. बहुत सारे मोर पीपल रीडिस्कवर्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ एशियंट एथेंस एंड रोम. लोगों ने फिर से उनको जो एथेंस की और रोम की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक प्रिंसिपल थे, उनको फिर से डिस्कवर करना शुरू कर दिया. डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी वॉज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर विच वॉज पास्ड इन 1215 AD इन इंग्लैंड. इट पेव्ड द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ द लॉ मेकिंग बॉडी बाय द पार्लियामेंट. जो कह रहे हैं कि जो मैग्ना कार्टा है ये माइलस्टोन था डेमोक्रेसी के विकास के लिए, जो कि 1215 में इंग्लैंड में पास हुआ था और इसने जो है लॉ मेकिंग बॉडी बनाई थी जिसको कि हम पार्लियामेंट कहते हैं. इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस which gives people the right to appeal if they are imprisoned without just cause. That this writ continue to be one of the
कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम इन डेमोक्रेसी। ये एक ऐसी रिट थी जिसमें कि लोग ये अपील कर सकते थे अगर उनको बिना किसी मतलब कारण के उनको पनिशमेंट दी गई है तो वो उसके लिए अपील कर सकते थे। और ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए कॉर्नर स्टोन था। द अमेरिकन रेवोल्यूशन। इन द 18th सेंचुरी अमेरिका फाउट टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द ऑप्रेसिव एंड द एक्सप्लोइटिव ब्रिटिश रूल। 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने अंग्रेजी राज से अपने आप को आज़ाद करवा लिया। इन अमेरिका ए नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गेट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो हैड अ फेडरल गवर्नमेंट विद ए डिसीजन ऑफ पावर्स। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इन 1789 एंड इट कंटेन द प्रिंसिपल दैट has been started in the Declaration of Independence। जो अमेरिका है ये इसमें अपनी मतलब लोकतंत्र में बहुत सारे चेंजेस लाए। कब लाए चेंजेस? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस कंट्री ने अपनी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और ये एक संघीय गवर्नमेंट थी। इसमें जो है जो पावर्स थी उसको डिवाइड किया गया था। मतलब एक जो सारी पावर्स है एक बंदे के अधीन नहीं थी, बहुत सारे के डिवाइड करके रखी हुई थी। और ये कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1789 में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इक्वलिटी एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी वॉज अपहेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 AD विद इट्स स्लोगन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो है आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें इनका स्लोगन क्या था, स्ट्रॉन्गली इन्होंने डेमोक्रेसी में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया था? लिबर्टी पे, इक्वालिटी, लिबर्टी मतलब आज़ादी पे, इक्वालिटी मतलब समानता पे, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे पे। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रेंच पीपल नोन एज द थर्ड स्टेट। जो फ्रेंच सोसाइटी है ये क्लर्जी और नोबिलिटी में बट गई और तीसरा जो था उसको, उनको हम जो कॉमन पीपल थे उनको थर्ड स्टेट कहते थे। द थर्ड स्टेट और द पीपल डिक्लेयर देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली इन 1789 AD एंड गेव राइट टू पीपल इंक्लूड द राइट टू लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इट गेव राइज टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट केम इन टू फोर्स इन द ईयर 1789। जो थर्ड स्टेट थी उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दे दिया और इन लोगों ने इस पर जोर दिया कि जो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है इस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। ये कब आया होंद में? 1791 में। ऑल दीज रेवोल्यूशंस एंड इवेंट्स एस्टेब्लिश देयर द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड द फैक्ट दैट पीपल आर सुप्रीम। दिस आइडिया इज द सेंटर आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। इन सारे जो रेवोल्यूशंस हुए, क्रांतियां हुई, उनका एक ही एक चीज़ सामने आई कि जो है सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए और सुप्रीम पावर कौन होनी चाहिए? लोग होनी चाहिए। और ये सेंटर आइडिया था डेमोक्रेसी का। स्टूडेंट्स, रीड चैप्टर, योर होमवर्क इज रीड चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट एक्सरसाइज। थैंक यू।